नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इस वीडियो के तहत दो महत्वपूर्ण अपडेट आपको दी जाएगी। इसमें सबसे पहले बात करें संगणक भर्ती 2023 कितने पदों पर और ऑफिशियल विज्ञप्ति कब तक जारी हो सकती है। इसके अलावा दूसरी अपडेट पीटीआई भर्ती 2022 प्रोविजनल परिणाम को लेकर के आज की लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप विभागीय आदेश, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार और आगामी भर्तियों की घोषणा, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं पहले आपको संगणक भर्ती 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और उसके बाद में आपको पीटीआई भर्ती 2022 प्रोविजनल परिणाम की अपडेट दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे शिक्षा विभाग की हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन करें, हर प्रकार की अपडेट टेलीग्राम पर दी जाती है, क्योंकि दोस्तों हर अपडेट का वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसलिए आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। पहले आपको संगणक भर्ती 2023, जैसा कि दोस्तों राजस्थान युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के अनुसार अगर माने, और राजस्थान युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो है राधे मिनी के अनुसार अगर माने, तो संगणक भर्ती लगभग 583 पदों पर, जी हाँ 583 पदों पर इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति दोस्तों वैसे संभावना है कि अगले सप्ताह, जी हाँ अगले सप्ताह सोमवार से या सोमवार के बाद कभी भी जो है यह विज्ञप्ति जारी हो सकती है। वैसे संभावना यह आज भी है, आज भी इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आज की संभावनाएँ कम है। अगले वीक, जी हाँ सोमवार से, सोमवार के बाद कभी भी इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति लगभग 583 पदों पर जारी हो सकती है। दोस्तों इसमें पद बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, हालांकि ये अपडेट है अभी तक की राजस्थान युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष पेंजी यादव के अनुसार। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली अपडेट पीटीआई भर्ती 2022 प्रोविजनल परिणाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले दो दिन से इसके बारे में अपडेट दी जा रही है कि इसी सप्ताह के लिए आपको पीटीआई भर्ती 2022 प्रोविजनल परिणाम के बारे में आपको बताया गया है हमारे पिछले वीडियो में। कल भी जो वीडियो बनाया गया था उसमें भी इसके बारे में थोड़ी अपडेट दी गई थी, और आज की इस समय की लेटेस्ट अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, पीटीआई भर्ती 2022 प्रोविजनल परिणाम आज जारी होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। जी दोस्तों, जैसे कि अपडेट है आज पीटीआई भर्ती 2022 का प्रोविजनल परिणाम जारी हो सकता है दोस्तों, पूर्ण संभावनाएं आज की। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे जो फायरमैन और वनपाल भर्ती का जो परिणाम है वह लगभग अगले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। जी अगले सप्ताह की संभावनाएं बताई गई है फायरमैन और वनपाल भर्ती से संबंधित जो परिणाम है उसके बारे में। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट थी पीटीआई भर्ती 2022 प्रोविजनल परिणाम के बारे में, और संगणक भर्ती 2023 उसके बारे में। दोस्तों जैसे ही इन दोनों भर्तियों की, जी हाँ पीटीआई भर्ती 2022 जो रिजल्ट है जारी होगा, आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा संगणक भर्ती की जैसे ही ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होती है आपको अवश्य अपडेट इस बारे में दी जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है पीटीआई भर्ती 2022 प्रोविजनल परिणाम जारी करे, जिससे कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द खुशी मिल सके और आचार संहिता लगने से पहले जो है पोस्टिंग मिल सके, यही उम्मीद और यही आशा है। आशा करते हैं दोस्तों जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। जैसे कि आज की अपडेट है राजस्थान युवा बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के अनुसार पीटीआई भर्ती 2022 प्रोविजनल परिणाम से संबंधित। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।